हेलो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस अबाउट सॉलिड लिक्विड इंटरकन्वर्जन इन द प्रीवियस क्लास, बट टुडे इज द नेक्स्ट टॉपिक इज योर लिक्विड गैस इंटरकन्वर्जन। ओके, लिक्विड गैस इंटरकन्वर्जन मतलब आपका जो लिक्विड है उसको हम गैस में कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, ये गैस कैसे होता है मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था, क्लास फाइव में बताया था, बट फिर भी हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे कन्वर्जन करता है। इंटर कन्वर्जन मीन्स मैंने आपको पीछे भी क्लास में बताया था, इसका मीनिंग होता है आंतरिक परिवर्तन, मतलब जो सेल्फ में चेंज हो जाए, अपने आप अंदर से लेकर टोटली फुल्ली डेवलप चेंज हो जाए। जैसे आपका आइस क्यूब होता है, आइसक्रीम जब वो आइसक्रीम है तो वो सॉलिड फॉर्म है। ठीक है, जब आप उसको कहीं रख देते हैं या उसको कुछ हीट मिलने लगता है, कुछ टेम्परेचर मिलने लगता है, तो अपने आप को कन्वर्ट करने लगता है। ठीक है, वो क्या करें, लिक्विड फॉर्म में, वो आइस सॉलिड फॉर्म में होता है, आइस जो होता है आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, जब उसको कुछ टेम्परेचर मिलने लगती है तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्जन करने लगता है। आज हम देखेंगे ये लिक्विड जो है आपका ये गैस में कैसे कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब लिसन, व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड टू ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, जब किसी भी लिक्विड को, कोई भी लिक्विड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी लिक्विड को आप एक पार्टिकुलर टेम्परेचर तक, सपोज दैट आपका वाटर का, नॉट सपोज इट्स रियल, आपका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है मतलब उबलने लगता है आपका पानी जो है ना, उबलने लगता है कब, जब उसको 100 डिग्री सेल्सियस उसको फुल्ली हीट मिल जाता है। लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता है कि हम लोग को पता नहीं चलता कि जैसे कि आप कभी टी बनाते हैं, है ना, तो आप पानी उसमें डाल देते हैं, मिल्क दे देते हैं और उसके बाद वेट करते हैं, तो जब वेट करते देखते हैं कुछ देर बाद वो बॉइल होने लगता है। तो अब जो वेट किए ना, उसको उतना टेम्परेचर चाहिए था वाटर को, वो उसको चाहिए था 100 डिग्री सेल्सियस उसको टेम्परेचर चाहिए था, और वो उसको मिल गया। जब उसको पूरा मिल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस जब उसको मिल जाता है टेम्परेचर, तो वो अपने ऑटोमेटिकली वो बॉयल होने लगता है। ठीक है, वो वाटर आपका टी जो है आपका ऑटोमेटिकली वो बॉयल होने लगता है। इसीलिए अब मैं सिर्फ यहाँ पे वाटर की बात नहीं करूँगा, और भी बहुत सारी चीज़ है जो कि पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, माय डियर, आपने प्रीवियस क्लास में नहीं, मतलब आपके कभी घर में एक प्रैक्टिकल किए होंगे, बेंगल्स देखिए आप, बेंगल्स मीन्स चूड़ी होता है ना, जो मम्मी पहनती है, सिस्टर पहनती है, बेंगल्स मीन्स चूड़ी होता है। कभी आप उसको देखिएगा, चूड़ी जब फूट जाती है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाती है, तो आप उसको ना उस टूटे हुए पार्ट को, हाँ, बेंगल्स को लेकर के एक फ्लेम के पास ले जाइएगा, मतलब कैंडल को जला दीजिएगा, या वो एक जिसको बोलते हैं डिबिया बोलते हैं ना, बत्ती जिसको बोलते हैं, उसको बत्ती को आप जला लीजिएगा। उस बेंगल को आप काफ़ी देर तक वहाँ पर रखिएगा, ठीक है, काफ़ी उस फ्लेम के पास उस बेंगल को रखिएगा ना, देखिएगा कुछ ऐसा टाइम आएगा जो ऑटोमेटिकली वो आपका सॉफ्ट होने लगेगा, वो आपका बेंगल बेंड होने लगेगा, चूड़ी आपका मुड़ने लगेगा। तो इसका मतलब ये, आपका बेंगल क्या था, सॉलिड था, ठीक है, कोई सॉलिड था, वो आपको उसको आप क्या किए, हीट दिए, बस कोई सर्टेन टेम्परेचर पे वो क्या हुआ, मेल्ट होने लगा, पिघलने लगा। सेम टू सेम यहाँ पे भी होता है कि कोई भी लिक्विड है, आप उसको जब पार्टिकुलर टेम्परेचर देते हैं तो सर्टेन टेम्परेचर पे, कोई उसका एक फिक्स तापमान होता है जो उसका देने पर क्या होता है, बॉइल करने लगता है, मतलब उसमें पहले आपको बबल्स दिखने लगेगा। ओके, देखिए फिर से, व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड टू ए पार्टिकुलर टेम्परेचर इट फॉर्म्स बबल, जब किसी लिक्विड में आप पार्टिकुलर टेम्परेचर दीजिएगा तो उसमें बबल्स, बुलबुला जिसको बोलते हैं, बबल्स आने लगेगा। ओके, थ्रू आउट इट्स वर्क, आप उस वर्क को देख करके कह सकते हैं दिस फेनोमिनन इज कॉल्ड बॉइलिंग। तो ये जो पूरा फेनोमिनन होता है, ये जो पूरा प्रोसेस ये होता है, ये जो पूरा घटना होता है, उसी को हम बॉइलिंग कहते हैं। क्या होता है, जब उसको पार्टिकुलर टेम्परेचर मिल जाता है तो वो बॉइल करने लगता है। तो अब बच्चे कंफ्यूज होंगे कि फेनोमिनन मिस क्या होता है, फेनोमिनन मिस होता है घटना, ठीक है, घटना कैसे हुआ फेनोमिनन, हमने क्या किया, किसी वाटर को मैंने हीट किया, कोई भी चीज़ को आप हीट किए का कुछ सब कुछ टेम्परेचर था, कुछ टाइम था, तो ये जो हमने पूरा प्रोसेस किया, जितना मैंने उसमें टाइम दिया, ये उसी को घटना बोलते हैं। ओके, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड बॉइलिंग, तो उसका बॉइलिंग होने में जो पूरा समय लगा, जो घटना हुई, उसी को हम बॉइलिंग कहेंगे। एंड द कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर, ठीक है,
द बॉइलिंग पॉइंट, तो और जिस पॉइंट पे आकर के वह बॉइलिंग होने लगा उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट, जिस पॉइंट पर आकर के सर्टेन टेम्परेचर पे आकर के कोई भी लिक्विड आपका बॉइल होने लगा है तो उसी उस पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको यहाँ पर भी कहा था कि पानी कितने पे बॉइल होती है, 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका पानी खोलने लगता है। बॉइलिंग मीन्स खोलना, उबलना होता है। ठीक है, उबलने लगती है। इथाइल अल्कोहल, लुक हियर माय डियर, इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल आप लोग सुने होंगे जो कि वाइन में मिलता है, वाइन में शराब होता है, दारू जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसमें अल्कोहल की प्रेजेंटेशन होती है। तो अल्कोहल भी अलग अलग तरह के होते हैं, उसका नाम अलग अलग होता है। तो उसी तरह में से उसी में से एक अल्कोहल है जिसका नाम है इथाइल अल्कोहल। क्या नाम है? इथाइल अल्कोहल। इसका टेम्परेचर है 78 डिग्री सेल्सियस। इस इथाइल अल्कोहल को आप उसको हीट दीजिएगा ना, जिसको स्प्रिट भी बोलते हैं ना, स्प्रिट, आप उसको हीट कीजिएगा तो 78 डिग्री सेल्सियस पे ही वो आपको बॉइल होने लगेगा। पहले आपका इथाइल अल्कोहल बॉइल होने लगेगा और देखिए 100 डिग्री पे जब आपको वाटर जाएगा तब आपको वो बॉइल होने लगेगा। एंड ग्लिसरीन, आप लोगों में से कुछ बच्चे ने हमें मुझसे पिछले क्लास में पूछा था सर ग्लिसरीन क्या होता है। ठीक है, मैंने बताया था कि जो कि तेल की तरह होता है, जो चिपचिपा पदार्थ का होता है। और देखिए ग्लिसरीन जो है ना आपका, कुछ बच्चे क्या करती है फेस को क्लीन करने के लिए, आजकल मार्केट में मिलता है ग्लिसरीन, जिस बच्चे क्या करती है फेस को क्लीन करने के लिए कॉटन मतलब रुई में थोड़ा सा ग्लिसरीन मिला करके वो फेस को साफ करते हैं, मतलब फेस को क्लीन करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है आपका ग्लिसरीन, मतलब कहते हैं ना चेहरे पे निखार लाने के लिए जो आप लोग ले करके उसको प्लेन करते हैं, वही है आपका ग्लिसरीन। और यदि आप उस ग्लिसरीन को बॉइल करते हैं तो उसको बॉइलिंग होने में 290 डिग्री सेल्सियस लगेगी। कितना लगेगी? 290 डिग्री सेल्सियस आपको ग्लिसरीन में लगेगी। इथाइल अल्कोहल में 78 डिग्री, वाटर का 100। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, व्हेन अ सब्सटेंस इन अ गैसियस स्टेट, जब कोई पदार्थ आपका ये नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है आपका, जब कोई पदार्थ आपका गैसियस फॉर्म में होता है, गैसीय अवस्था में, अभी आपने देखा था लिक्विड में, अब हम चलते हैं गैसीय अवस्था में। व्हेन अ सब्सटेंस इन द गैसियस स्टेट, स्टेट मीन्स होता है अवस्था, स्टेट मतलब यहाँ राजधानी यानी कि राजधानी वाला नहीं होगा, यहाँ पे स्टेट मीन्स होता है अवस्था या स्थिति। ठीक है, जब कोई सब्सटेंस गैसीय अवस्था में होती है इज कूल्ड, आप उसको अब जब ठंडा कीजिएगा, मतलब कोई हवा है, ठीक है, आप उसको ठंडा कीजिए, इट विल चेंज टू लिक्विफाइड। आप किसी भी गैस को ठंडा करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली वो आपको लिक्विड बनने लगेगा। बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हम उसको हीट करते तो बॉइल होने लगती है, लेकिन यहाँ पर हम ठंडा कर रहे हैं तो बॉइलिंग उसको हीट नहीं कर रहे, उसको कोल्ड कर रहे हैं, उसको ठंडा कर रहे हैं। तो ठंडा करेंगे कोई भी गैस को ठंडा कीजिएगा तो वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, लिक्विड बनने लगेगा। ठीक है, मैंने आपको क्लास 5 में बताया था कि जब हम किसी फ्रिज को है ना, सपोज दैट आप फ्रिज को पूरे वाइप कर दीजिए, मतलब पोंछ दीजिए उसको, 1 आवर के लिए उसको ड्राई होने दीजिए, 1 घंटे के लिए सूखने दीजिए। ठीक है, आप उस फ्रिज को फिर लॉक कर दीजिए और उसके बाद उसको इलेक्ट्रिक ऑन कर दीजिए, स्विच उसको ऑन कर दीजिए, फिर जब आप हाफ एन आवर के बाद आप उसको ओपन कीजिएगा, आधे या 1 घंटा के या 2 घंटे के बाद आप उसको ओपन कीजिएगा, तो अंदर से एकदम काफ़ी सा आपको क्या वो कुहसा की तरह निकलेगा, धुआं निकलेगा। ठीक है, और कुछ ना कुछ आपको वाटर और ड्रॉप जो है ना नीचे पूरे फ्रिज में लगा होगा, तो उसमें कुछ तो था नहीं, फिर वो आया कहाँ से जी, उसके अंदर में कुछ भी नहीं था, लेकिन था वो था गैस, एयर, है ना। तो यही आप क्या है गैसियस अवस्था में होती है, जब उस गैस को किसी भी गैस को आप उसको ठंडा करते हैं तो वो लिक्विड बन जाती है। ठीक है, वो पानी बनने लगती है, उसके बॉइलिंग पॉइंट से जब नीचे जब ठंडा की जगह वो लिक्विड बनने लगेगा। द फेनोमेनन इज कॉल्ड कंडेंसेशन और लिक्विफैक्शन, इसी को हम कंडेंसेशन बोलते हैं या तो लिक्विफैक्शन बोलते हैं। कंडेंसेशन मीन्स होता है द्रवीभूत होना, मतलब द्रव में बदल जाना, द्रव मतलब पानी में बदल जाना। ठीक है, द्रव में परिवर्तित होना,
कन्वर्टिव, ठीक है, द्रव में परिवर्तित हो जाना मतलब पानी बन जाना है, जिसका मीनिंग वही होगा और कंडेंसेशन का मीनिंग वही होगा, ठीक है, द्रवीभूत हो जाना या परिवर्तित होगा मतलब पानी बन जाना, ठीक है बाबा। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।